लोकसभा चुनाव 2024 के नजदीक आते ही बीजेपी अपनी पूरी तैयारी से जुट चुकी है। चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी लगातार बैठक कर रही है। इसी क्रम में देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीट बीजेपी की झोली में जाएंगी। वहीं जिम्मेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आखिर किसको प्रत्याशी उतारे, ये काम विपक्ष पर छोड़ते हैं कि वह किसको प्रत्याशी बनाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि केंद्र नेतृत्व जो तय करेगा और जिसको प्रत्याशी बनाएगा, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता उस प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्य करेंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखो, ये तो और जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको विचार करना है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो निरंतर अपना काम करता है, चाहे सत्ता में रहें चाहे विरोध में रहें। तो पार्टी का संगठन एक सक्रिय संगठन है, एक जीवंत संगठन है जो अपना काम निरंतर करता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और कार्यकर्ताओं के बल पर फिर उत्तराखंड में फतह हासिल करेगा।